करो और कोशिश करो सॉल्व करने की। ये कहता है कैपेसिटर C1 चार्ज टू V वोल्ट बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू वन चार्ज कैपेसिटर C2, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलो एक कैपेसिटर था उसको मैंने जी भर के चार्ज कर लिया जितना मेरा मन करता था, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसकी चार्ज अप टू B और इसकी कैपेसिटी C है। अब जब चार्ज हो गया तो इसके साथ मैंने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, ये वाला मैंने C2 लगा दिया। अब चार्ज अप टू कैपेसिटी एंड द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच। पहले देखो, पहले इस इनिशियली में क्या था इसको समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट है तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल V था और इसके पास चार्ज Q था। फाइनली जब आप इसको कनेक्ट करोगे, यहाँ स्विच कनेक्ट करोगे तो कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जिससे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V डैश हो गया। अब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो गया जो कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है। आया समझ में? पहले तो इसके क्रॉस V था और ये जो चार्ज नहीं, ये जब इससे कनेक्ट नहीं था तो इसके क्रॉस 0 था। अब जब मैंने कनेक्ट कर दूंगा तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो गया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जो चार्ज Q है वो पहले जितना इस पे था, अब कनेक्शन के बाद मान लो इस पे चार्ज Q1 आ गया और इस पे चार्ज Q2 आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब ये फुली चार्ज कर लिए थे तो उस केस में Q की वैल्यू C1 V के इक्वल था जब कनेक्ट नहीं हुआ था दूसरे वाले से, बराबर है। चलो तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Q1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Q1, इसके क्रॉस इस पे चार्ज है तो Q1 इज इक्वल टू C1 V डैश, बराबर है। और Q2 की वैल्यू C2 V डैश क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। और फाइनली जो Q है वहाँ से वो C1 V, हमें चाहिए V डैश की वैल्यू, तो V डैश की वैल्यू आ जाएगी C1 V और C1 प्लस C2। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो C1 V और C1 प्लस C2 दैट इज B ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और कोशिश करो